घरों में आई दरार के बाद अब बात करते हैं एक ऐसे पॉलिटिशियन की जिसकी करियर में दरार आ गई। राजनीतिक सत्ता की बात करते हैं जिसमें आज उत्तर प्रदेश का एक लोकसभा क्षेत्र काफी ट्रेंडिंग रहा है। ये लोकसभा क्षेत्र है पूर्वांचल का जौनपुर। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक फैसले से जौनपुर में कई समीकरण बदलने के आसार हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली नेता और जौनपुर से पूर्व सांसद धनंजय सिंह को राहत देते हुए जमानत तो दे दी लेकिन उनकी 7 साल की सजा पर रोक नहीं लगाई है। अदालत का फैसला तब आया जब धनंजय सिंह को जौनपुर से बरेली जेल ले जाया जा रहा था। धनंजय जेल से रिहा हो सकते हैं पर वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उनकी पत्नी श्रीकला सिंह रेड्डी जौनपुर से बीएसपी उम्मीदवार हैं। अब जब धनंजय सिंह जेल से बाहर होंगे तो इसका चुनाव पर असर पड़ना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि धनंजय सिंह को अपहरण और रंगदारी के केस में एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद वो जौनपुर जेल में बंद थे। उन पर आरोप लग रहा था कि वो जेल के अंदर से ही अपनी पत्नी और बीएसपी उम्मीदवार श्रीकला सिंह रेड्डी का चुनाव प्रचार कर रहे थे। इन आरोपों के बीच उन्हें आज जौनपुर से बरेली जेल शिफ्ट किया जा रहा था जहां रास्ते में ही यह खबर आई कि उन्हें जमानत मिल गई है लेकिन उनकी 7 साल की सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस फैसले के बाद धनंजय सिंह की पत्नी खुश हैं, इसे अपनी आंशिक जीत बता रही हैं। हालांकि वो विरोधियों पर भी हमलावर हैं लेकिन उनकी बातों में सहानुभूति हासिल करने वाले तत्व की मात्रा काफी ज्यादा है जबकि धनंजय सिंह के वकील हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के संकेत दे रहे हैं। धनंजय सिंह की पत्नी और वकील ने क्या कहा उस पर एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको धनंजय सिंह के राजनीतिक करियर पर एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाएंगे। हम बहुत खुश हैं और बहुत हम ऑलरेडी बोल चुके हैं कि हमारा पूरा विश्वास था जुडिशरी के ऊपर। आई बिलीव इन जुडिशरी एंड थैंक यू for the you know to give us a fair justice. बीजेपी कैंडिडेट इधर आए हैं तब से कुछ ना कुछ कॉन्स्पिरेसी चलते रहे एंड अभी इस जेल का चेंजिंग भी आई एम श्योर वही लोग इसके लिए वो लोग है शायद। कोर्ट ने जो हमको सजा नीचे लोअर कोर्ट से ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई थी उसको स्थगित कर दिया है और हमको बेल ग्रांट कर दी है। फिलहाल जो कन्विक्शन की सस्पेंड करने की हमारी मांग थी वो अभी सस्पेंड नहीं किया गया है। अब डिटेल ऑर्डर जो साइट पे लोड होगा उसको हम लोग देखेंगे तभी पता चलेगा कि किस कारण से कन्विक्शन इस पर सस्पेंड नहीं हुआ। धनंजय सिंह काफी कम उम्र से चुनाव में एक्टिव है। 27 साल की उम्र में जौनपुर की राड़ी विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीते थे।